फिर हो जाइए और दोनों हाथों को हृदय कमल से लगाइए। प्रार्थना करेंगे हम अपने इष्ट परमात्मा की। आंखें कोमलता से बंद कीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निरविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। माता पिता गुरुदेव परमात्मा को नमन करें। दोनों हाथों को शिथिल कर लीजिए। पैरों को थोड़ा सा ढीला छोड़ दीजिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। दोनों हाथों को कमर पे रखिए, पंजों का संचालन ऐसे, जिससे आपके सबसे निचले वाले पंजों का संचालन हो रहा है। टेन टाइम्स कीजिए। अच्छे से। इससे क्या होगा, आपकी पैरों की उंगलियों के और आपके टखने का संचालन होगा। जगह जगह यहां पर वायु एकत्रित हो जाती है। 10 टाइम्स हुआ। अब एक बार थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। नेक्स्ट अब क्या करना है, हमारे पैरों के चार जोड़ होते हैं इस प्रकार। बिल्कुल आराम से कीजिए। घुटने सामने की ओर मुड़ रहे हैं। बिल्कुल आराम से। नए अभ्यासी देखकर करें और जो पुराने साधक हैं वे इस क्रिया को आंखें बंद करके करें, जिससे फोकस हमारे चारों जोड़ों पर, नीचे के दो ऊपर के दो, चारों जोड़ों पर अच्छा सा मूवमेंट होगा। जैसे कई बार गठिया में जो दर्द होता है गठिया के कारण, उसमें भी इसमें राहत मिलेगी। फिर एक बार लॉन्ग एंड डीप ब्रीथिंग। ऐसा अभ्यास हो कि हम पूर्ण होने के बाद रिलैक्स और ऊर्जा से भरपूर अनुभव करें, थकान नहीं रहे हमें। नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट में क्या करेंगे, दोनों हाथों को हल्के से यहां रखें और पंजों को ऐसे पैरेलल रखें। फोल्ड स्ट्रेट, फोल्ड स्ट्रेट, फोल्ड स्ट्रेट, ऐसे 10 टाइम्स कीजिए। 3 टाइम्स हो चुका है। आराम से कीजिए एंड रिलैक्स। लॉन्ग एंड डीप ब्रीथिंग। ध्यान कब लगाएंगे, जब हम रिलैक्स करते हैं जो हमने क्रियाएं की है। अब हमें इसको गोल गोल घुमाना। बॉडी वेट बिल्कुल भी नहीं रखें, हल्के से ऐसे रखें रोटेशन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप रिलैक्स करना चाहें तो रिलैक्स ऐसे कर सकते हैं और कंटिन्यू करना चाहें तो इसका एंटी क्लॉक 10 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। रिलैक्स
रिलैक्स, घुटनों को रिलैक्स कीजिए, आंखें बंद करके घुटनों पर ध्यान लगाइए। जैसे हमने ध्यान लगाया, एनर्जी वहां पहुंची और जो स्ट्रेस था वो रिलीज हो गया। फिर एक लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग, अच्छे से श्वास खाली करना यानी प्रश्वास करना, स्लो भरना जितनी क्वांटिटी में उससे डबल स्लो स्लो स्लो। अब हम घुटने से इस जोड़ पर आ रहे हैं, हमारे यहाँ पर कमर का संचालन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कमर को आगे पीछे ऐसे सीधे रहना, झुकना नहीं, आगे पीछे 10 times कीजिए। आराम से कीजिए, गर्दन सामने और कमर और पेट टेंस होने के बाद एक बार रिलैक्स कीजिए। फिर लॉन्ग एंड डीप ब्रीथिंग। अब नेक्स्ट पैर थोड़े दूर कर लीजिए, हाथ कमर पर। अब हम क्या करेंगे, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट 10 times कीजिए। ये 3 हुआ, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। जब हमने ये अभ्यास किया तो क्या हुआ, ये हिस्सा पूरा खींचा। जब हमने इधर किया तो क्या हुआ, ये वाला हिस्सा खींचा। तो हमारे बॉडी के दोनों साइड में स्ट्रेस आया। अब क्या करेंगे, रिलैक्स कीजिए और एकदम से अब स्थिर खड़े हो जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर स्ट्रेस आ रहा है बिल्कुल आराम से। और अब देखें मन की आंखों से, यहाँ स्ट्रेस आया और वो स्ट्रेस अब रिलीज हो गया है। तो हमें बार बार ऑटो सजेशन देना है, रिलैक्स, अंदर क्या बोलना है, रिलैक्स। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अब हाथ कमर पे रखा, सीना कंधे सीधे रखे, बिल्कुल आराम से कीजिए रोटेशन पीछे आगे क्लॉकवाइज 10 times 2, 3, 4, 5, 6 बड़े आराम से कीजिए, 7, 8, 9, 10। अब इसका एंटी क्लॉक पॉइंट आ गया, क्या पीछे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिलैक्स, रोटेशन हुआ कमर के अंदर, हलचल हुई पेट के अंदर। आंतों के लिए सबसे अच्छा अभ्यास है, हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ सबसे ज़्यादा डिपोजिशन होता है। तो जब ये अभ्यास करते हैं अर्ली मॉर्निंग में, अगर आपने पानी पिया है और धीरे धीरे अभ्यास किया है, तो इसका इफेक्ट यह होगा कि आंतों में जो भी डिपोजिशन है, अनवांटेड जो भी चिपका हुआ है अंदर, वो रिलीज होने लगेगा। फिर जब आप योगासन के आधे घंटे बाद पानी पिएंगे तो वो पूरा जैसे धुल जाता है, क्लीन हो जाएगा। चलिए यहाँ तक अब हम आ गए, अब हमारा अगला अभ्यास है कंधे का। तो लेफ्ट हैंड यहाँ रखिए, राइट हैंड को ऐसे रखिए। अब इसको क्या करेंगे, पैर एकदम सीधे, कैसे, श्वास भरते हुए खाली करते हुए नीचे, यस ऐसे कीजिए। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम से करना है, शोल्डर पे झटका नहीं देना है। क्या
करेंगे, एक बार हाथ ढीला छोड़ा, अब इस हाथ को यहाँ रखा, इसको यहाँ रखा, यहाँ से स्टार्ट किया, 1, 2, 3, 4, आराम से कीजिए जितनी हमारी शरीर की योग्यता है। यस, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करे, ना अभ्यासी, ध्यान पूर्वक करे। एंड रिलैक्स, और फिर लॉन्ग, जैसे हमने लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग की तो क्या हुआ, शोल्डर पर जो स्ट्रेस आया था वो रिलीज हो गया। अब इसका अपोजिट करना भी जरूरी है ना, तो क्या करेंगे, 1, 2 आराम से कीजिए, 3, 4 आंखें बंद करके करें तो ध्यान बराबर शोल्डर पर रहेगा। टोटल 10 करना है, जितना हमने क्लॉक किया है उतना एंटी क्लॉक करना है, और पूरे शोल्डर पर अच्छे से रोटेशन हो रहा है। अब लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एंटी क्लॉक, 6, 7, 8, 9, and 10. Relax. Long and deep breathing कीजिए। जैसे ही long and deep breathing की, shoulder से relax होने लगा। धीरे धीरे हम एक एक जोड़ों से होते होते यहाँ तक आ गए। अब फिंगर्स का जोड़ ले लेते हैं। हम क्या करेंगे कि ऐसे इस प्रकार से हम करते हैं, लेकिन क्या करना है हमें, एक एक हाथ से करने से क्या होगा, हमारी एकाग्रता बनी रहेगी। हाथ सीधा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टाइट खींचिए, यहाँ तक खींचा हमारा। एंड रिलैक्स, अब लेफ्ट हैंड सामने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपने देखा, 1, 2 and 3 तीनों उंगलियों के हमारे जो उंगलियों में जोड़ होते हैं, एक एक उंगली में 3 जोड़ होते हैं। एक हम सिंपल कर लेते हैं वो इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब हम ऐसे टाइट करके करें तो आप देखना पूरी यहाँ से यहाँ तक इसका खिंचाव आएगा। तो कई बार शोल्डर में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, कई बार गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो इन अभ्यासों से भी गर्दन का दर्द दूर हो जाता है। हाथों को ऐसे रिलैक्स कर लीजिए, लॉन्ग एंड डीप ब्रीथिंग, लॉन्ग एंड डी, इतनी भरें कि उससे डबल मात्रा में समय देते हुए खाली करना है, यानी हमारे फैलाओ और सिकुड़ाओ। ऑक्सीजन जितनी अंदर गई उससे डबल मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी प्रेशर के साथ, तो जो जगह जगह विकार है वो सब बाहर हो जाएंगे, हम रोग मुक्त होंगे। ऐसे भाव भी डालते जाना है क्रिया करते करते। अब हमारा अगला अभ्यास है, हमारे उंगलियों का हो गया, हमारे शोल्डर्स का हो गया ना, अब हमारे कलाई का अभ्यास है। तो कलाई का अभ्यास क्या करना है, 1 मुट्ठी को ऐसे अंगूठा अंदर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अब इसको रेस्ट देना है। अब दूसरे हाथ को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रेस्ट। अब हमने क्या किया, अपोजिट करना है, क्लॉक किया था, अब इसका विपरीत, 1, 2,
आप इसको आंखें बंद करके कीजिए और फोकस कहाँ, अपने जो मूवमेंट हो रहा है, 10 रोटेशन कीजिए आराम से और उस रोटेशन को देखिए कलाई का कर रहे हैं, इफेक्ट कहाँ तक हो रहा है, सिर तक हो रहा है, गर्दन के पीछे खिंचाव आ रहा है, जो स्टिफनेस है वो। अब इसका भी 10 टाइम्स कीजिए, इसको भी आराम से कीजिए बिल्कुल आंखें बंद करके। जब भी आप जॉइंट्स मूवमेंट करते हैं तो बराबर सिंगल सिंगल हाथ से, सिंगल सिंगल पैर से करेंगे तो आपका फोकस बराबर उस क्रिया पर रहेगा। रिलैक्स, आपको यहाँ हल्कापन लग रहा होगा। एंड लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग, ये हमारे यहाँ तक के जॉइंट्स का हो गया। अब हम करेंगे नेक का अभ्यास। सीधे खड़े हो जाए बिल्कुल, बॉडी स्ट्रेट एकदम, सीना खुला हुआ, पैर बिल्कुल शोल्डर लेवल पर पैरेलल, ऐसा ना हो कि पैर आपके ऐसे रहे, ऐसे, इससे आपके कमर में भी दर्द नहीं होगा और आपकी रीढ़ एकदम सीधी रहेगी। सबसे पहले क्या करेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे कर लीजिए, ठुड्डी को यहाँ टच कर लीजिए, हो गई नीचे। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे सामने लाइए और धीरे धीरे ऊपर लेके जाइए। अब इसमें आपको सीधे रहना, यहाँ झुकाना नहीं, पीछे गए, स्ट्रेस आ रहा है देखिए कंठ पर, फिर धीरे धीरे सामने और श्वास खाली करते हुए आगे, फिर श्वास भरते हुए सीधे और ऊपर, भरते भरते पीछे तक चले गए, खाली करते हुए स्लो आगे आ गए। ऐसे आप 3-5 times कर सकते हैं। आज हम इसको 3 times कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है राइट टर्न, अभी ऐसे नहीं जाना, कंधे सीधे, गर्दन को राइट लिया, आंखें बंद कर ली, देखा यहाँ स्ट्रेस आ रहा है, फिर धीरे धीरे श्वास को भरते हुए, श्वास इधर खाली हो रही है, टर्न हो गए, जब इधर गए तो क्या हुआ, यहाँ तो आया, यहाँ भी स्ट्रेस आया, फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए खाली करते हुए राइट, फिर भरते हुए सामने खाली करते हुए लेफ्ट। आप इसको 5 times करेंगे, अभी आज हम 3 times कर रहे हैं। अब नंबर 3, राइट डाउन, आराम से बिल्कुल ऐसे झुकाना है, यहाँ खिंचाव आएगा, श्वास भरते हुए सीधे, श्वास खाली करते हुए लेफ्ट। देखिए स्ट्रेस आ रहा है, जिनको गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, वे यहाँ रुकें 5-10 seconds तक, तो कुछ दिनों के बाद आपका गर्दन का, पीठ का दर्द भी दूर हो जाएगा, क्योंकि पूरी स्पाइन हमारी ऊपर से नीचे तक है, तो हम जब गर्दन का अभ्यास करते हैं तो नीचे तक इसका प्रभाव पड़ता है। तो हमने राइट लेफ्ट किया, टर्न किया, आगे पीछे किया। अब नंबर 4, रोटेशन, श्वास भरते हुए हाफ सर्कल पीछे तक ले जाइए, खाली करते हुए हाफ सर्कल होते हुए आगे आ गए, 1 हुआ, अब 2, थ्री, इसका जितना आप करेंगे 3-5 ऐसा इसका एंटी क्लॉक कीजिए, 1, आराम से कीजिए बिल्कुल धीरे धीरे, 2 एंड 3, रिलैक्स, थोड़ा आगे पीछे चल लीजिए, एक जगह थोड़ी छोड़ दीजिए, लॉन्ग एंड डीप, रिलैक्स कीजिए, भरपूर ऑक्सीजन लीजिए, जिससे हम अगले अभ्यास के लिए फिर से तैयार हो जाएं। चलिए अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं
दोनों पैरों को ऐसे रख लीजिए, थोड़े से डिस्टेंस में ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। क्या करेंगे? ताड़ासन। इसमें क्या करेंगे, धीरे धीरे हाथ सामने लाए, ऐसे क्रॉस किया। अब ऐसे करते करते ऐसे ले गए, ऐसे ले गए, पहले बॉडी पूरी खींच ली, हो गई, सामने देखा किसी पे पॉइंट को पूरा खींच लिया। अब धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू करिए, ऐसे ऐसे गए और ऊपर जाकर स्थिर हो जाइए। किसी भी पॉइंट को देखते रहिए, रुके रहिए, पूरा शरीर खींच रहा है। धीरे धीरे ऊपर एक श्वास भर लीजिए, खाली करते हुए हाथों को नीचे लाएं और रिलैक्स रिलैक्स कीजिए। क्या किया हमने, पूरे क्रॉस किया, खींचा। इसको आप 3 to 5 times कर सकते हैं। हमने एक बार किया है ना, तो हम एक बार और करेंगे। क्या करेंगे, वापस थोड़े से पैरों को आगे पीछे हिला डुला लीजिए और ऐसे करिए। अब धीरे धीरे हाथों को उठाइए, लॉक कर लीजिए एंड पहले हाथों को पूरे ऊपर उठा लेंगे, सामने देखेंगे, हो गए। अब धीरे धीरे यहाँ से उठना शुरू हुआ, पूरा शरीर तना हुआ है, दृष्टि ठीक सामने। शरीर कैसा तना हुआ, एक एक जोड़ पर इसका इफेक्ट हुआ है। जब तक आप रुक सकते हैं, कैपेसिटी अपनी अपनी, और श्वास खाली करते हुए हाथों को ढीला छोड़ा एंड रिलैक्स, लॉन्ग एंड डीप ब्रीथिंग। कितना अच्छे से खिंचा आया, पूरा खिंचा, रीढ़ पूरी, एक एक जोड़ हमारा खिंचा हुआ। तो यहाँ जो भी विकार डिपॉजिट है वो सब दूर होंगे, वायु जो है जो दर्द पैदा करती है शरीर में उससे हम मुक्त होंगे। ये सभी कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं। दोनों पैरों को ऐसे रख लीजिए, सीधे खड़े हो जाएं। अब श्वास भरते हुए राइट हैंड स्ट्रेट स्ट्रेट अप, हो गया स्ट्रेट अप, यहां यहां। अब धीरे धीरे एक श्वास भर लीजिए ऊपर, खाली करते हुए लेफ्ट डाउन और दृष्टि ठीक सामने। यहां रुक जाइए आंखें बंद करके 10 seconds के लिए, फोकस करिए, स्थिर। यहां खिंचा हो रहा है राइट साइड में, अब श्वास को भरते हुए धीरे धीरे सीधे और खाली करते हुए स्लो, हाथ एकदम धीरे धीरे नीचे लाना है, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से खिंचाव आया। देखा आपने कितना खिंचाव आया यहाँ। अब इस हाथ से श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड अप, बॉडी खींची, पूरी खींच गई, यह खिंचा एंड डाउन। जितना झुकते बने, कोई जबरदस्ती नहीं है, बहुत ज्यादा अति खिंचाव ना दे। और श्वास भरते हुए सीधे एक बार हाथ ऊपर खींचिए और खाली करते हुए हाथ को स्लो स्लो एंड रिलैक्स। तो क्या हुआ, दोनों हाथों से एक बार राइट एक बार लेफ्ट, बॉडी को दोनों तरफ से स्ट्रेचिंग हुई। यहाँ पर खिंचाव आ रहा होगा, थोड़ा रिलैक्स कीजिए और हाथों को भी ढीला छोड़ दीजिए, क्योंकि हाथ हमारे ऊपर तने हैं। अब इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं, पैरों को थोड़ा दूर कर लीजिए, हो गए दूर, यस। अब क्या करना है, श्वास भरते हुए राइट हैंड ऐसे लिया, टर्न किया और ऊपर उठाया, उठ गया ऊपर,
खींचा, ये हाथ नीचे खींचा और अब इस पैर को हल्का सा टर्न कर दीजिए लेफ्ट पैर को, और फिर ऐसे 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 झुकते जाइए और स्थिर नॉर्मल ब्रीदिंग। रुके यहाँ 10 सेकेंड्स तक, स्थिर। और फिर श्वास भरते हुए सीधे और खाली करते हुए यहाँ तक आए, टर्न किया एंड डाउन। अब जो पैर ऐसा था उसको उठा के ऐसा कीजिए, जो पैर ऐसा है उसको ऐसे टर्न कीजिए, सामने ही रहना, घूमना नहीं है। अब लेफ्ट हैंड से श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड अप, टर्न एंड स्ट्रेच, खींचिए ये हाथ को खींचिए और स्लो स्लो डाउन डाउन, स्थिर ध्यान श्वास पे लगाइए। और फिर श्वास भरते हुए सीधे खींचिए एक बार और प्रश्वास करते हुए यानी खाली करते हुए देखिए अब यहाँ खींचा हुआ रहा है और टर्न एंड डाउन। जब हम धीरे धीरे करते हैं तो फिंगर टिप्स भी गर्म होते हैं, यानी सर्कुलेशन ब्लड का बहुत फास्ट होता है, ये अनुभव करते हैं हम हीट गर्मी ऊर्जा। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ रहे हैं, दोनों हाथों को सामने रखना और धीरे 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 ऊपर उठा। शुरुआत हम कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं ना, तो क्या करेंगे, हाथ यहाँ रखें, श्वास भरते भरते स्लो आराम से पूरे ऊपर उठाइए धीरे धीरे। आप जब करेंगे तब आप आंखें बंद करके करेंगे, सीधे हुए और पीछे और फिर धीरे धीरे सीधे। और अब श्वास खाली करते हुए पीठ को थोड़ी लंबी करते हुए आगे झुकते जाइए, जितना आपसे झुकते बने, ध्यान रहे घुटने मोड़ना नहीं, न बहुत ज्यादा खिंचाव देना, नीचे आके रुक जाइए। फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामने, एक बार फिर से पीछे, कंठ पे खिंचाव आ रहा है, कमर पर आ रहा है, फिर धीरे धीरे सीधे और श्वास भरी पूरी खाली करते हुए स्लो स्लो हाथों को नीचे लेता है। श्वास प्रश्वास का बहुत ध्यान रखना है, बिल्कुल आराम से करना है। कैसे, जब भी हम हाथ पैर ऊपर उठाते हैं तो श्वास भरते हुए रहेंगे, जब हम डाउन पोजीशन में जाते हैं तो श्वास खाली करते करते करना है, तो श्वास पे फोकस करना है और क्रिया पर करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं, दोनों हाथ सामने कीजिए। अब धीरे धीरे ऐसे वज्रासन में बैठ जाइए आराम से, जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं वे सुखासन में बैठ जाएं, आंखें बंद कर लीजिए। ये है वज्रासन, पैर ऐसे रहेंगे और पीठ कंधे एकदम सीधे, ध्यान श्वास पर, नाक से लेकर नाभि तक श्वास मार्ग को देखिए, कुछ क्षण यहां पर स्थिर और श्वास आ रही है श्वास जा रही है, श्वास आ रही है बाहर जा रही है। अब हम नेक्स्ट करेंगे अगला अभ्यास, इसके लिए क्या करेंगे, धीरे धीरे उठे ऐसे उठ गए, अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही जो कैपेसिटी अपनी
उतना ही पीछे झुकना है, जबरदस्ती नहीं करना है। पीछे से पैरों को ऐसे अंगूठे के बल ऐसे खड़े कर लीजिए। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथ ऊपर उठाइए और ऐसे करते हुए उष्ट्रासन है ये अभ्यास। तो इसमें क्या है, या तो हम पीछे हाथ टिका लेंगे या हम ऐसे सपोर्ट देते हुए, देख लीजिए आप ऐसे ऐसे सपोर्ट देते हुए और ऐसे पीछे जाके रुक जाएंगे। तो आप देख लीजिए, अगर आप पकड़ के कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे करेंगे। रुके रहेंगे जब तक आपकी कैपेसिटी है, तब तक रुके रहिए। उसके बाद क्या करेंगे, धीरे धीरे सीधे होइए, श्वास भरते हुए हाथों को ऐसे करिए और धीरे से बैठक करिए। और अब घुटनों को हम थोड़ा सा दूर कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे और डाउन शशकासन में आगे आकर और हाथ लंबे कर लेंगे, मस्तक जमीन पर, घुटने दूर दूर कर लीजिए, यहाँ आकर रुक जाइए, नॉर्मल ब्रीदिंग है यहाँ। श्वास चल रही है, देखते रहिए। फिर धीरे धीरे हाथों को पास में लाकर और फिर ऐसे बैठ जाएंगे। ये हमने अभ्यास क्या किया है, उष्ट्रासन और शशकासन, दो तीन प्रकार से किया जाता है। हमने आज पैर दूर करके पूरी बॉडी को आगे खींचते हुए किया है। इस अभ्यास को आप 3 बार कर सकते हैं और बिल्कुल स्थिर होकर आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करना है। ये बार बार निर्देश हम देते हैं, जल्दबाजी करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आराम से करिए। अब ऐसे कुछ देर स्थिर हो जाइए, थोड़ी देर, यस, ऐसे सीधे खड़े, इसको कहते हैं घुटने के बल खड़े होना। रुके रहे, आंखें बंद करके, श्वास पर श्वास चल रही है, देखें, श्वासों को देखते रहना है, बिल्कुल आराम से आंखें बंद रहें, शांति से देखते रहें, देखते रहें। अब हम नेक्स्ट करेंगे भुजंगासन। उसके लिए क्या करना है, हमें पूरा लेटना है। तो आप ऐसे उल्टे लेट जाइए के साथ श्वास को बाहर फेंकेंगे तो पेट अंदर जाएगा। कैसे, इस प्रकार से स्ट्रोक के साथ फेंका, पेट अंदर गया, तो जो आंतों में विकार है वो सब नीचे की ओर चला जाएगा, यानी हमारी देह से छूटना शुरू हो जाएगा। और हम यही चाहते हैं कि देह से विकार छूटे, पसीने के द्वारा, नाक, आँख, कान, जो हमारे शरीर से विकार बाहर फेंकते, गंदगी फेंकते, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनसे, उन विकारों से मुक्ति मिले। तो स्टार्ट करते हैं, आराम से एक श्वास भर लीजिए, टेन टाइम्स कीजिए। अब ये सावधानी उन लोगों के लिए है जिन्हें हाइपर एसिडिटी है, अल्सर है, वे ये नहीं करें। हाई बीपी बहुत ज़्यादा है, यानी बीपी बहुत बड़ा हुआ है, वो भी ये अभ्यास तेज़ी से नहीं करें। बाकी आप इसको सामान्य ऐसे कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अल्सर और हाई एसिडिटी वाले नहीं करें। पेट को अंदर धकेलिए और हर्निया, और इसके साथ जिनका पेट आज साफ नहीं हुआ है तो वे अभ्यास ये वाला नहीं करें। मॉर्निंग में पेट अगर प्रॉपर साफ हो जाता है तभी ये क्रिया करें, अदरवाइज ये फायदे की जगह हमें नुकसान करेगी। टेन करके आप स्टॉप कर लीजिए और फिर श्वास जो चल रही है उसे देखिए,
पूरे शरीर में इसका प्रभाव टॉप टू बॉटम। रिपीट करें, स्टॉप करें, रिलैक्स करें। हर क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर देखें, इसलिए विश्राम करके मन को बराबर उस अंग पर लगाए रखें। वन टाइम और करते हैं, 10। आप 10 से ज्यादा भी कर सकते हैं एट अ टाइम, 10, 20, 30। बट ध्यान रखिए बहुत बीपी नहीं बढ़ा हुआ हो, सावधानी रखिए। पेट को धक्का देना है और रिलैक्स, पेट पर ध्यान लगाए रखें। पूरा केंद्रण पेट पर, आंखें खोल लीजिए। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। जैसा कि इसका नाम है नाड़ी शोधन, शोधन मतलब शुद्ध करना, और नाड़ियां क्या है, हमारे शरीर की असंख्य नाड़ियां, वो हमारे आहार के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा अशुद्ध होती है, होती रहती निरंतर और सिकुड़ती रहती। प्रॉपर उसमें सप्लाई नहीं हो पाता है ऑक्सीजन का, ब्लड का अच्छे से, तो क्या होता है, रोग पैदा होता है। हम बोलते हैं हमें यह हो रहा है, हमें यह हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, हमारी दिनचर्या, हमारी ईटिंग हैबिट्स सही नहीं है। लेकिन अब समय है, हम उसे करेक्ट कर सकते हैं। जब जागे तब सवेरा, तो आज से ही हमें संकल्प लेना है हमारी नाड़ियाँ सब शुद्ध रहे। तो उसके लिए क्या करेंगे, नाड़ी शोधन प्राणायाम। मुद्रा बनाइए, फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर फोल्ड कीजिए अंगूठे के रूट में, थर्ड फोर्थ स्ट्रेट, लेफ्ट हैंड को ध्यान मुद्रा। अब इस प्रकार से हमारा हाथ हो जाएगा, ध्यान रहे ऐसा भी ना हो, खींचे भी नहीं, आराम से रिलैक्स रहेगा। अब राइट नोस्ट्रिल को ऐसे हल्का सा टच करें, ध्यान रहे नाक को ऐसे तिरछा तिरछा नहीं, बिल्कुल हल्का सा टच किया, इधर से ये टच किया। तो शुरुआत कैसे करेंगे, राइट नोस्ट्रिल बंद कर लीजिए, लेफ्ट से श्वास भरिए, 1, 2, 3 बंद कर दीजिए, राइट से खाली करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब उसी से भरिए, 1, 2, 3 लॉक कीजिए, लेफ्ट से खान, 2, 3 1, 3, 4, 5, 6 फिर से भरिए, 1, 2, 3 लॉक कीजिए, लेफ्ट ओपन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिर इसी से वापस, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंटिन्यू करिए इसको, आराम से कीजिए आंखें बंद करके। बहुत आराम से करना है, मन को एकाग्र करके आप देखेंगे आपकी समग्र नाड़ियां शुद्ध हो रही है, शुद्ध हो रही है। और यहाँ पर इसका इफेक्ट हमारे ब्रेन में हुआ है। आज के समय सबसे ज्यादा शांति की आवश्यकता है,
वह हमारे अंदर ही है। और वह कब प्राप्त होगी? जब हम कुछ एफर्ट्स करेंगे, प्रयत्न करेंगे। और प्रयत्न क्या कर रहे हैं? नाड़ी शोधन। आराम से हाथ नीचे करके रिलैक्स कीजिए, एक लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग कीजिए, लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग, बिल्कुल आराम से कीजिए। अब हम शीतकाई, शीतली, ये दो प्राणायाम है, इसमें से हम एक प्राणायाम करेंगे। कौन सा? हम जीवा को फोल्ड करके शीतली। बॉडी में अगर हीट बढ़ गई है तो आप ये ज्यादा मात्रा में करें, और नहीं बढ़ी है, नॉर्मल है, तो आप तीन बार करें। कैसे? बाहर निकाली जीवा, टर्न करी, वायु अंदर खींची, कुछ देर रोकी, यहां तक फील किया मुख से लेकर यहां तक, और फिर नोस्ट्रिल से धीरे धीरे रिलीज करी। स्टार्ट करते हैं। टू टाइम्स हुई, नंबर थर्ड, तीसरी बार। एक क्षण रुकी, अंतर में देखिए, मुख से लेकर कंठ, सीना और पेट तक शीतलता पहुंची। ये हाई एसिडिटी वाले भी दिन में 10 बार कर सकते हैं, खाली पेट। ध्यान रहे, भोजन के बाद यह क्रिया नहीं करना। तो ये हमारी शीतली प्राणायाम हो गया, जिससे हमें क्या हुआ, पूरी जो हमने अभ्यास किए थे, जो बहुत ज्यादा बॉडी में हीट बढ़ी थी, उसका बैलेंस हो गया। यानी अब हमें न गर्मी हो रही है, न ठंड लग रही है, नॉर्मल हो गया। अब अंतिम अभ्यास है भ्रामरी। इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों अंगूठे से कान को बंद करेंगे और ऐसे चारों उंगलियों से हल्के से आंखों को कवर कर लेंगे, और फिर एक श्वास भरेंगे और मध्वनि का इस प्रकार गुंजन करेंगे 3 times। फिर हाथों को ऐसे नीचे लाकर रख देंगे घुटनों पर, और जिह्वा को टर्न करके तालू से टच करके आराम से उस भ्रमर को सुनते रहेंगे। ध्यान रहे, हम ये कान को इसलिए बंद करते हैं कि अब हम अंदर अपने से कनेक्ट हो जाए, बाहर की ध्वनि हमें अब सुनाई नहीं दे। तो चश्मा जिन्होंने पहना है वो उसको उतार दीजिए, है ना। प्रारंभ करते हैं। हाथों को ध्यान मुद्रा में, जिह्वा को पलट के तालू से टच कीजिए। भ्रमर गुंजन जो हमने की है, उसकी गुंज, अनुगुंज सुनाई दे रही है। परम शांति का अनुभव हो रहा है।
अब दोनों हाथों को हृदय कमल से लगाएं, आंखें बंद ही रखें, परमात्मा को धन्यवाद करेंगे प्रार्थना के माध्यम से। सर्वे भवन्त सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ सहनावतु, सहनौ भुनक्तु, सवीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः, 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 ॐ शान्तिः, शान्तिः, शान्तिः। माता पिता सद्गुरु परमात्मा को धन्यवाद दें, धरती माँ को नमस्कार करें, दोनों हाथों को खूब अच्छे से रगड़ें, आंखें अभी बंद रखें और हाथों के कप्स बना के आंखों को ऐसे कवर कर लें, कुछ देर रुके रहें और फिर हल्के हल्के चेहरे की गर्दन की ऐसे मालिश कर लीजिए। आपको ये सेशन कैसा लगा और आप अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जन जन तक ये योग अभ्यास पहुंचे और सभी को आरोग्य की प्राप्ति हो, ऐसी हम मंगल कामना।